गांव में चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो भी रात का टाइम, जब रात का टाइम 8 बजे हो। अगर आप सभी को चलना है तो आप सभी को ऐसे सुनसान जगह पर जाना होगा, यानी कि जो रास्ते होते हैं बहुत ही सुनसान होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। रात में गाय या बैल रास्ते में दिख जाए तो आप लोगों को जरूर ही डर लगेगा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आगे से कुछ आ गया है। तो गांव में जो सफ़र होता है वो भी नाइट का बहुत ही कठिन होता है। वो इसलिए कह रहा हूँ आप सभी को क्योंकि यहाँ पर ना रास्ते में लाइट वगैरह होती है, ना कुछ होता है, और बस हमें जैसे ही शॉप से या दुकान से आना होता है तो उस टाइम पर हम सभी लोगों को यहाँ पर ऐसे इसी रास्ते पर चलना होता है। बिल्कुल ही सुनसान रास्ता, ना आगे कुछ है ना इधर कुछ है, केवल रास्ते बीच में आप सभी को देखने को मिलेगा। इस टाइम पर सांप कीड़ों का ज़्यादा डर रहता है रात को, और गांव में विशेषकर जो बाघ वगैरह होते हैं उनका बहुत ही खतरा रहता है। तो इस तरह जो गांव के लड़के हैं या गांव में जो जनजीवन यापन करते हैं वो इस तरह जीवन यापन करते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी को फ्रंट कैमरे से नहीं दिखा सकता क्योंकि ये अंधेरा है। तो लगभग 1 किलोमीटर, 1 या 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद मैं इसी तरह डेली अप डाउन करता हूँ। शाम के टाइम अंधेरा हो जाता है अपने काम से आने में, तो बिल्कुल ही अंधेरा रहता है। एक सौर ऊर्जा लगा है केवल यहाँ पर। बस आप सभी लोगों को दिख रहा है गांव का कितना कठिन होता है गांव में रहना। और जैसे कि मैं आप सभी को अगर यहाँ से दिखाऊंगा तो देख सकते हैं वो दूर दूर बहुत सारे गांव हैं, और इस तरह यहाँ पर गांव होते हैं बिल्कुल। ये तो हमारा गांव फिर भी बहुत ही अच्छी जगह पर है, लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ रास्ते जो है बिल्कुल ही डेंजर जगह पर होते हैं, जंगल पर उनको जाना पड़ता है। तो इस तरह पर गांव के जो जनजीवन है वो यापन करते हैं यहाँ के लोग। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, जो हमारे गांव की दिनचर्या है, जो नाइट में हम लोग चलते हैं वो इस तरह चलते हैं, कोई रोड नहीं और कोई उजाला नहीं, हमें चलना है बिल्कुल सुनसान जगह पर, हर जगह चारों तरफ से खतरा रहता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो इसी चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए।